देहरादून बागेश्वर मोटर मार्ग के ग्वालदम के पास लोल्टी नाले में बह जाने से बैजनाथ निवासी एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की शिनाख्त बैजनाथ निवासी 23 वर्षीय शुभम चंद्र के रूप में हुई है। 24 घंटे की मशक्कत के बाद शुभम का शव बरामद किया गया। बैंक में कैशियर के पद पर तैनात शुभम सोमवार की सुबह अपनी बुलेट बाइक से थराली की ओर जा रहा था। लोल्टी नाला पार करते वक्त वह तेज बहाव की चपेट में आ गया, जिस कारण वह काफी दूर तक बह गया। काफी मशक्कत के बाद उसका शव बरामद किया गया है। शुभम की मौत की खबर सुनकर उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शुभम अपने घर का इकलौता बेटा था। वो अपने पीछे माता पिता तथा एक बहन को रोता बिलखता छोड़ गया है। CCN न्यूज के लिए गरुड़ से नीमा बड़सिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।